चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने सांसदों के लिए दरअसल व्हीप जारी किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए सांसदों के लिए व्हीप जारी किया गया है। सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए ये व्हीप जारी किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, और बीजेपी ने दरअसल सांसदों के लिए व्हीप जारी किया है। राज्यसभा के लिए सांसदों के लिए ये व्हीप जारी किया गया ताकि सभी के सभी सांसद सदन में मौजूद रहे, संसद भवन में मौजूद रहे, और सांसदों को सदन में रहना होगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, राज्यसभा के लिए सांसदों के लिए व्हीप जारी हुआ है, और बीजेपी ने ये व्हीप जारी किया। सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हीप जारी किया गया। सभी बीजेपी सांसदों को संसद भवन में मौजूद रहना होगा। तो बीजेपी ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से दरअसल आज सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए तीन लाइन का व्हीप जारी किया है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हीप जारी किया है, राज्यसभा के सभी सांसद व्हीप के दौरान जो सदन में मौजूद रहेंगे, और तीन लाइन का ये व्हीप जारी किया गया? देखिए बिल्कुल, बीजेपी के तमाम राज्यसभा सांसदों को आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया। पिछले जो है दो पहले जो ये व्हिप जारी किया गया था कि 8 तारीख को, यानी आज तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको आज जो है सदन में मौजूद रहना है, और सरकार का जो भी रुख रहता है उसका समर्थन जो है इन तमाम जो सांसद हैं उनको करना होगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीके के कयास जो है इसको लेकर जो है लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कोई खास बिल है वो आज जो है हो सकता है कि सरकार की तरफ से आज जो जो राज्यसभा है उसमें जो है पेश होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है अपना भाषण दिया था, उसी के तर्ज पर आज राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी बात जो है राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है रखते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 लाइन व्हिप जो है तमाम राज्यसभा के सांसदों को जारी किया है। हालांकि क्या कुछ सदन में देखने को मिलेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है क्योंकि 3 लाइन ये व्हिप है। मैं चाहती हूँ तमाम दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं कि आखिर ये 3 लाइन व्हिप है क्या। देखिए किसी भी पार्टी की अगर बात करें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां, वो अपने तमाम सांसदों को जो है जो ये कहती है कि किसी जो विशेष दिन वो जो है सदन में उपस्थित रहे, और उनकी पार्टी का जो भी रुख रहता है, चाहे वो किसी बिल के समर्थन की बात हो या फिर जो बिल का जो है अपोज करना हो, उसी को लेकर जो है ये व्हिप जो है किया जाता है, और पार्टी किस तरीके का रुख रखती है उसी को संदर्भ में जो है तमाम सांसदों को रुख जो है रखना होगा। उसी के लिए जो ये व्हिप है वो कहीं ना कहीं जो है जारी किया जाता है, यानी पार्टी लाइन में जो है तमाम सांसदों को रहना होगा, उसी का जो जो चीज है वो सांसदों को जो है कही जाती है, और अगर किसी तरीके से कोई इस व्हिप का उल्लंघन करता है तो पार्टी पूरी तरीके से जो है उस सांसद के खिलाफ जो है जो जो कारण बताओ नोटिस है या फिर कहें कि जो जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं करती हुई जो है नजर आ सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये व्हिप जो है आज के लिए जो है अपने तमाम राज्यसभा सांसदों को जो है जारी किया है। जहां तक मेरी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही जो है राज्यसभा में होता हुआ नजर आए, और उसी के संदर्भ में जो है ये 3 लाइन व्हिप जो है वो जो है पार्टी ने जो तमाम राज्यसभा के सांसद है उनके लिए जारी किया है। 3 लाइन व्हिप जो जारी किया गया, यानी कि ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। स्पर्श, बिल्कुल, 3 लाइन व्हिप जारी करने का सीधा संदर्भ यही होता है कि जो 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 पार्टी है वो किसी तरीके से
बड़ा करने की कोशिश जो है सदन के अंदर करती हुई नजर आएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये थ्री लाइन व्हिप जो है अपने तमाम राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया है, तो ऐसे में क्या किसी तरीके का विशेष बिल जो है वो संसद भवन के अंदर जो है पारित जो है करवाने के लिए जो है ये थ्री लाइन व्हिप जारी किया गया है, या फिर प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो जो विपक्षी पार्टियां होती है वो किस तरीके से अपना जो है रुख रखती हुई नजर आती है, क्या वो उनको अपोज करती है, इसके लिए ये थ्री लाइन व्हिप जो है तमाम सांसदों को जारी किया गया, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ बड़े होने की आशंका जो है वो तमाम लोग लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।